बचपन से ही हम सब बड़े शौक से कुरकुरे खाते हैं। शायद ही कोई होगा जिसने कुरकुरे ना खाए हो, मगर हम जब भी कुरकुरे खाते हैं हमें यही बोले जाते हैं कि ये प्लास्टिक से बने, इन्हें मत खाओ। मगर क्या ये सच है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुरकुरे बनाए कैसे जाते हैं और ये जो इतने ज़्यादा चटपटे होते हैं, इतने मसालेदार होते हैं, उस पर इतना मसाला लगाया कैसे जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी सारी जानकारी मिल पाएगी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जाएगा बेसन और आटा। तो भाई इसमें मेरे को लगता था मैदा डलती होगी, नहीं जी नहीं, इसमें डलता है बेसन, मोटा कुटा हुआ बेसन और आटा। उसके बाद आगे ये हमारे कॉर्न, इसमें मोटा कॉर्न का चूरा डलता है, बिल्कुल कॉर्न को अच्छे से मोटा मोटा पीसा जाता है और वो डलता है इसमें। ये दो चीज होती है, ये काम करती है इसे करारा बनाने में, इतना बढ़िया बनाती है ये। और ये आगे हमारा तीसरा मेन इंग्रेडिएंट जो कि चावल का टूटा, जो मोटा चावल का टूटा होता है वो इसमें डलता है। तो भाई यही है वो मेन इंग्रेडिएंट जिनसे बनते हैं कुरकुरे इतने ज्यादा क्रिस्पी और यमी। अगर आपको अगली बार कोई बोले कि ये प्लास्टिक से बनते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आ गया है पानी, तो इसमें मिक्सचर में जाएगा ऊपर से पानी। पानी का काम होता है इसे बांधने का और इसे आकार देने का। तो भाई देखिए, यहाँ से ऊपर पानी के साथ ही जिसमें मिक्सचर डाला गया था उसके साथ पूरा मिक्सचर हमारा बह के जाएगा आकार देने वाली मशीन में। तो यहाँ पे पूरा मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हुआ, अब ये जा रहा है आकार देने वाली मशीन में। देखिए, अब ये जो गोल गोल वाली मशीन है इससे आकार दी जाती है। देखिए, इस मशीन से आकार दी जाएगी अलग अलग लंबी लंबी स्टिक्स में और ये सारी की सारी स्टिक्स हमारी बह के कन्वर्जन बेल्ट पे आएंगी। कन्वर्जन बेल्ट के बाद जिससे ये चिपके ना, इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है, थोड़े थोड़े पोर्शन में डिवाइड कर जाता है और फिर ये जाते हैं छटाई की ओर। तो यहाँ देखिए, हमें लगता है ये अलग हो चुके हैं, भाई नहीं, इन्हें दोबारा से एक करा जाएगा और फिर इन्हें बड़े से चक्रे में डाल के इनकी छटाई होगी। ये देखिए, ये मशीन तो भाई देख के मैं हैरान ही हो गई थी कि ये मशीन कैसे छाट रही है। आप देखेंगे नीचे इसमें अलग होते जा रहा है और ये सारी स्टिक जो बढ़िया क्वालिटी की है वो जाएंगी आगे फ्राई की ओर। तो यहाँ पे इन्हें तला जाएगा, तेल यहाँ पे डेली का डेली चेंज करा जाता है और यहाँ पे सारी स्टिक बह बह के आती हैं और दूसरी ओर से निकलती जाती हैं तलने के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पे तली हुई स्टिक्स आ रही है। अब इसमें अगर एक्सेस ऑयल ना हो उसके लिए दोबारा से इस बेल्ट पे डाला जाता है और इस बेल्ट की मदद से एक एक कुरकुरे में जितना भी एक्सेस ऑयल है उसे नीचे सेपरेट कर दिया जाता है और ये आगे जाता है मसाले की ओर। यह होता है लिक्विड मसाला, इसे स्टीम के द्वारा एक एक कुरकुरे पे इस गोल धारे की मदद से लगाया जाता है। अब देखिए, एक तरफ से इसमें नीचे मसाला आ रहा है, ऊपर से कुरकुरे आ रहे हैं और एक एक कुरकुरे पे मसाला लगा के उन्हें ठंडा करा जाता है दोबारा से। तो यहाँ देखिए, स्टीम में भी कुरकुरे गर्म हो जाते हैं, उनकी क्रिस्पीनेस ना जाए इसलिए उन्हें बार बार कन्वर्जन बेल्ट पे चेंज करा जाता है। और फिर ये आते हैं हमारे पैकिंग की ओर। तो यहाँ देखिए, एक एक कुरकुरे पोर्शन में डिवाइड करे जा रहे हैं पैकिंग के लिए और यहाँ पे हमारा रोल डाल दिया जाता है दूसरी तरफ से। यहाँ पे हमने खाई थी इनकी लेसी स्टिक्स, आप ये स्टिक जरूर ट्राई करें अगर आपके आसपास मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही हाइजीनिक थी खाने में भी और इनको बनाने का तरीका तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये बिल्कुल प्लास्टिक से नहीं बनती, तो इन्हें खाना तो एक बार बनता ही है अगर आपके यहाँ मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो आप इन्हें ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो। यहाँ देखिए, एक दूसरी मशीन से खुद ही पैक होकर बाहर आता रहता है और फिर इन्हें बड़े बड़े डिब्बों में पैक करके मार्केट तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी लेसी स्टिक्स, आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको कोई और ऐसी फैक्ट्री की मेकिंग देखनी है तो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।